बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने सीएम नीतीश कुमार को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाए जाने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि चाचा नीतीश कुमार को लाल किला पर झंडा फहराने के मुकाम तक पहुंचाएंगे। हम भतीजा हैं, इतना तो करेंगे ही, भले ही इसके लिए चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। दरअसल बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव शनिवार को नालंदा जिले के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर पहुंचे, जहां उन्होंने जू सफारी नेचर सफारी का जायजा लिया। इस दौरान वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव जू सफारी में स्थित 3D थिएटर इंस्पायरेशन सेंटर के साथ साथ इलेक्ट्रिक बस से नेचर सफारी व जू सफारी जाकर एक एक स्थल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने वन्य पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। जू सफारी में लगे जानवरों के स्टेचू के आगे नेम प्लेट लगवाने का आदेश जू सफारी के अधिकारियों को दिया है, ताकि आने वाले पर्यटकों को जानवरों को पहचानने में कोई परेशानी नहीं हो। इस दौरान जू सफारी नेचर सफारी के कई अधिकारी मौजूद थे। तेज प्रताप के आगमन की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ता राजगीर पहुंचे और अपने नेता को माला और बुके दे स्वागत किया। देख करके कैसा लगा? देखिए, जू सफारी जो है, पहले ही हम लोग के समय में जब महागठबंधन की सरकार थी और अभी भी महागठबंधन की सरकार है, पहले भी पूर्व काल में भी मैं मंत्री था और अभी भी मैं मंत्री हूँ गठबंधन की महा सरकार में, तो सफारी मतलब कि देखिए तो पूरे मतलब कि सब जगह से अच्छा अपना ये यहाँ का राजगीर का जो सफारी है। और ये हम ही लोग के समय में ये जब थे हम लोग मंत्री तब इसको उद्घाटन हमने किया और फिर हमें ये डिपार्टमेंट मिला, तो पूरी बिहार की जनता को भी हम बहुत बहुत उनके हम शुक्रगुजार हैं कि हमें फिर से मौका मिला है काम करने के लिए। क्या कुछ और सभी जो भी कमियां हैं हमने डायरेक्टर से सर हैं यहाँ उपस्थित हैं यहाँ सबसे हमने बात भी किया, जो भी कमियां हैं मुख्यमंत्री जी से भी मिलके इसको फुलफिल किया जाएगा। जो जो इनका रिक्वायरमेंट है हमने इनको बताया है कि जो जो आपका रिक्वायरमेंट है आप बताइए, उसको हम पूरा करने का काम। भाजपा द्वारा लगातार कल श्रवण कुमार जी के द्वारा कहा गया कि बिहार का बेटा लाल किला पर झंडा फहराएंगे, किस रूप में आप उन्हें मदद कीजिएगा, आपकी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? भूमिका तो है ही, अब महागठबंधन है, सब लोग हैं साथ, तो चाचा निश्चित तौर पर लाल किला पर झंडा फहराएंगे। उसमें चाचा है और हम उनके भतीजा है, तो हमारा दायित्व बनता है कि चाचा को उस मौका पर पहुँचाएं। ठीक है।